गुड इवनिंग डियर, कैसे आप सब। मैं रोहितिमान, आप देख रहे हैं रोहितिमान सी चैनल। आज हम लाइव लेके आए हैं, जो हमारा कोल्ड स्टोरेज प्लांट होता है उसके अंदर आपने सुना होगा डबल स्टेज के कंप्रेसर होते हैं। अब डबल स्टेज के कंप्रेसर कैसे वर्क करते हैं, कैसे वो असेंबल होते हैं, कैसे उनकी वर्किंग होती है, इन सब के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो फर्स्टली, सबसे पहले तो हमारा ये जो प्लांट होता है, ये हमारा खासकर यूज होता है कोल्ड स्टोरेज प्लांट के अंदर। कोल्ड स्टोरेज प्लांट के अंदर जहाँ पे हमें टेम्परेचर चाहिए माइनस के अंदर, -10, -20, -30, -40, अकॉर्डिंग टू हमारा जो भी उसके अंदर हमने स्टोर होने के लिए पदार्थ रखा है। तो ये सब चीज़ें हमें क्या करना है, वहाँ पे टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए ऐसा सिस्टम लगाया जाता है। अब सिंपल सी बात है, ड्यूल कंप्रेसर। ड्यूल कंप्रेसर मतलब वहाँ पे दो स्टेज के कंप्रेसर रहेंगे, एक हाई स्टेज, एक लो स्टेज। तो दो स्टेज के वहाँ पे कंप्रेसर रहेंगे, हाई स्टेज एंड लो स्टेज। अब हाई स्टेज कंप्रेसर और लो स्टेज कंप्रेसर कैसे कनेक्ट होते हैं, कैसे वर्क करते हैं, चलिए वो देख लेते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको पता है जो हमारी रेवजन साइकिल है वो एक सिंपल होती है, कंप्रेसर कंडेंसर एक्सपेंशन वाल्व ऑपरेटर। लेकिन यहाँ पे कुछ डिफरेंट होता है। यहाँ पे डिफरेंट क्या होता है, यहाँ पे सबसे पहले हमारा हाई स्टेज का कंप्रेसर लगता है। मतलब ये जो हमारा कंप्रेसर है, ये हाई स्टेज कंप्रेसर है, हाई स्टेज कंप्रेसर है। अब यहाँ से ये क्या कर रहा है, कंप्रेसर काम क्या होता है, गैस को कंप्रेस करना। अब गैस को कंप्रेस कहाँ से करेगा, वो गैस को कंप्रेस करेगा हमारा लो ऑपरेटर से, लो प्रेशर लो टेम्परेचर गैस को खींच के। और यहाँ पे वो गैस कहाँ से खींच रहा है, यहाँ से वो गैस खींच रहा है एक्यूमुलेटर से। इसकी वर्किंग पे आएंगे प्रॉपरली, एक्यूमुलेटर क्यों लगा है। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि हमारा कंप्रेसर यहाँ पे लो प्रेशर लो टेम्परेचर गैस को सक करके उसको हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर के बाद कहाँ भेज रहा है, एलएनजी कूलर में भेज रहा है, एलएनजी कूलर। अब यहाँ पे क्या काम होता है, मेन वर्क यहाँ पे है हाई स्टेज लो स्टेज या ड्यूल कंप्रेसर। अब एलएनजी कूलर आपका क्या काम कर रहा है, अब एलएनजी कूलर, अब यहाँ से जो रेजिडेंट आया है किसमें था, हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर में, उसको कोल्ड करने का काम करेगा, उसको ठंडा करने का काम करेगा। कैसे करेगा, अब देखो ये जो हमारी एक्सपेंशन वाल है, यहाँ पे जो हमारी एक्सपेंशन वाल है, यहाँ से एक लाइन आई है और वो गई है सीधा कहाँ पर, एलएनजी कूलर के अंदर। और एलएनजी कूलर के अंदर गई है तो उससे पहले हमने एक वाल लगा दिया जिससे हम उसको ऑपरेट कर सके, क्योंकि यहाँ पे जो एक्सपेंशन वाल है कौन सी हैंड एक्सपेंशन वाल है, ठीक है। अब हैंड एक्सपेंशन वाल के द्वारा हमने इसके अंदर क्या एंटर कराया, रेफ्रिजरेंट एंटर करवाया, कौन सा, लिक्विड वाला। और यहाँ से जो हमारा रेफ्रिजरेंट एंटर हो रहा है एलएनजी कूलर में, वो कौन सा है, वेपर रेफ्रिजरेंट है, हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर का। तो यहाँ पे जो होता है वो क्या होता है, जैसे मान लो एक साइड हमारा रेफ्रिजरेंट कौन सा, कूल वाला, और दूसरी साइड हमारा जो रेफ्रिजरेंट जिसको हमें ठंडा करना है, तो उसको क्या किया जाता है, पूरी तरह से उनको वेपर बनाया जाता है। मतलब कि ये जो हमारा रेविजेंट है इसको हम क्या करेंगे, इसको वेपर बना देंगे, ठीक है। मतलब ये जो हमारा हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर के वेपर थे, इनको हमें क्या करना है, इनको हमें कूल करना है। और इनको कूल करने के बाद दोबारा से इसको सक कौन करेगा, इसको सक करेगा लो स्टेज कंप्रेसर, लो स्टेज कंप्रेसर। मतलब सीधी सी बात, ये जो हमारा गर्म गैस बाहर निकली थी वो पहले एलएनजी कूलर में जाएगी, और एलएनजी कूलर का डिस्चार्ज लो स्टेज कंप्रेसर क्या रहेगा, सक्शन रहेगा। अब लो स्टेज कंप्रेसर को सक्शन मिल गया, अब ये डिस्चार्ज करेगा कहाँ पर, कंडेंसर के अंदर। अब कोल्ड स्टोरेज प्लांट के अंदर आपके कंडेंसर आपके वाटर कूल्ड मिलेंगे या ऑपरेटिव टाइम मिलेंगे, एयर कूल्ड कंडेंसर बहुत लेते हैं, क्योंकि कोल्ड स्टोरेज प्लांट की जो कैपेसिटी होती है वो बहुत ज्यादा होती है। तो यहां पे कौन सा मिलेगा आपको, वाटर कूल्ड और एवोपरेटिव, दोनों में से एक आपको यहां पे कंडेंसर मिलेगा। और जब भी वाटर कूल्ड कंडेंसर या एवोपरेटिव टाइप कंडेंसर यूज होगा, उसके साथ आपको हमेशा मिलेगा कूलिंग टावर, क्योंकि कूलिंग टावर ही क्या करता है, जो इसके अंदर पानी आ रहा है कंडेंसर में उसको गर्म से ठंडा करने का कार्य करता है, पानी को गर्म है तो उसको ठंडा करने का कार्य करेगा। तो कंडेंसर में रेफ्रिजरेंट जाने के बाद यहाँ पे हमारा यूज होता है ड्रायर।
अब ड्रायर भी हमारे दो टाइप के होते हैं, एक होता है रिफिलेबल टाइप, एक होता है सील टाइप, ठीक है। और आगे यहाँ पे यूज होता हैंड एक्सपेंशन वाला। अब हैंड एक्सपेंशन वाला क्यों क्यों यूज होता है? अकॉर्डिंग टू टेम्परेचर, जितना टेम्परेचर हमें कोल्ड स्टोरेज में चाहिए उतना वाल हम यहाँ से क्या कर सके, ओपन कर सके, ठीक है। उसके बाद हमारा एजेंट सीधा आता है कोल्ड स्टोरेज में, मतलब एक रूम जो हमने बनाया होता है जहाँ पे हमने खाद्य पदार्थ रखे होते हैं उनका टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए हमें क्या करते हैं, सबसे पहले एक रूम तैयार करते हैं। और रूम के अंदर हमने क्या लगाया, हमारा क्वाइल लगाई है जो हमारी रेफ्रिजरेंट आ रहा है, और उसके पीछे लगते हैं दो फैन लगते हैं, और वो फैन क्या करते हैं, रूम की जो एयर है उसको क्या करते हैं, उसको क्वाइल में से गुजारने का कार्य करते हैं, उनमें से उसको फ्लो करवाते हैं, और फ्लो करवाने के बाद उस एयर को यहीं पे ही छोड़ देते हैं जिससे कि यहाँ का टेम्परेचर मेंटेन होता रहे और यहाँ पे जो हमने सामान रखा है वो खराब ना हो, ठीक है। अब यहाँ से होता क्या क्या है, अब देखिए, अब सिंपल सी बात है, यहाँ पे अगर हम ज़्यादा टेम्परेचर मेंटेन कर रहे हैं, माइनस में टेम्परेचर मेंटेन कर रहे हैं, तो यहाँ पे जो हमारी कॉइलें हैं इन कॉइलों के ऊपर, क्योंकि एयर के अंदर हमारा मॉइस्चर होता है, और मॉइस्चर जब हमारा क्वाइलों के पास जाएगा तो वो वहाँ पे जम जाएगा, और जमने के बाद वो एक आइस का रूप ले लेता है। और ऐसे कर करके अगर भाई हमारी हर एक क्वाइल के ऊपर आइस आ जाए तो हमें क्या करना पड़ेगा, डीफ्रोस्ट करना पड़ेगा। और डीफ्रोस्टिंग मेथड मैंने आपको पहले बताया हुआ है, आप वहाँ जाके दे सकते हैं। डीफ्रोस्टिंग का मतलब क्या होता है, जमी हुई आइस को हटाना। और डीफ्रोस्टिंग करने के अलग अलग मेथड होते हैं, मैनुअल, ऑटोमेटिक, पॉडकास्ट डिफ्रोस्टिंग, ठीक है, ये सब चीज़ें आप वहाँ पे देख सकते हो। अब यहाँ से हुआ क्या, अब यहाँ पे रेफ्रिजरेंट जो हमारा यहाँ से, अब यहाँ पे दो कार्य होते हैं हमारे। अगर आपका कोल्ड स्टोरेज बहुत दूर है, मतलब जैसे हमारा प्लांट यहाँ लगा है और हमारा कोल्ड स्टोरेज बहुत दूर है, तो यहाँ से यहाँ तक रेफ्रिजरेंट पहुँचाने के लिए आपको क्या चाहिए, अमोनिया पंप लगता है। क्या लगता है, अमोनिया पंप यूज होगा। और अमोनिया पंप कहाँ पर यूज होगा, वो हमेशा यूज होता है एक्यूमुलेटर के नीचे लगता है, एक्यूमुलेटर के नीचे लगता है। अब एक्यूमुलेटर से नीचे लगने का क्या कारण है, क्योंकि जो हमारे अमोनिया पंप लगे हैं वो सीधा लिक्विड रेफ्रिजरेंट को ही आगे भेजते हैं। अब लिक्विड रेफ्रिजरेंट हमारा एक्यूमुलेटर में नीचे क्या रहता है, लिक्विड रहता है, ठीक है। अब उस रेफ्रिजरेंट को वहाँ यहाँ से उठाते हैं और डायरेक्टली कहाँ भेजेंगे, जैसे मान लो यहाँ पे वो भेज देते हैं, और यहाँ पे भेजने के बाद आगे हमारी यूज होती है क्या, एक्सपेंशन वाल्व, क्योंकि एक्सपेंशन वाल्व ही क्या करेगी, गैस को एक्सपेंड करेगी, वही फ्लो को कंट्रोल करेगी। तो ये जो एक्यूमुलेटर लगा है इसके नीचे क्या लगते हैं, अमोनिया पंप लगते हैं, ताकि हमारे जितना भी दूर प्लांट हो उनके अंदर जो हमारा रेफ्रिजरेंट है वो प्रॉपर तरीके से पहुंच सके। अगर हमारा रेफ्रिजरेंट ही नहीं जाएगा तो टेम्परेचर मेंटेन नहीं होगा। अगर हमारा प्लांट इतना दूर नहीं है, अगर बाई वे हमारा कोल्ड स्टोरेज बिल्कुल प्लांट के बैक साइड ही लगा है, तो वहाँ पे हमें पंप लगाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली हम इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ से जब हमारा रेफ्रिजरेंट आउट होगा, अब यहाँ पे जरूरी तो है नहीं कि हमारा जो रेफ्रिजरेंट निकला है ऑपरेटर से, एवेपोरेटर से जो गैस हमारी बाहर आई हो पूरी तरह से वेपर में कन्वर्ट हो गई हो, तो इस कारण से उसको डायरेक्ट कंप्रेसर में नहीं भेजेंगे, डायरेक्ट कंप्रेसर में ना भेज के उससे पहले कहाँ लेंगे, एक्यूमुलेटर में लेंगे। अब एक्यूमुलेटर में होता क्या है, नीचे हमारा लिक्विड स्टोर हो जाता है और ऊपर हमारे वेपर रह जाते हैं, और उन वेपर को कौन सा कर लेता है, वेपर को सक कर लेता है हमारा कंप्रेसर। कौन सा कंप्रेसर, हाई स्टेज का कंप्रेसर, हाई स्टेज का कंप्रेसर उसको सक करेगा और उसको डिस्चार्ज कर देगा कहाँ पे, एलएनजी कूलर में। मतलब जो हाई स्टेज का डिस्चार्ज होगा वो लो स्टेज का क्या बनेगा, सक्शन बनेगा। हाई स्टेज कंप्रेसर का जो डिस्चार्ज रहेगा वो लो स्टेज कंप्रेसर क्या रहेगा, सक्शन रहेगा, ये बात हमेशा याद रखना। और जो आपका लो स्टेज कंप्रेसर है वो रेगुलरली आपका रन एक अकॉर्डिंग टू सिस्टम हमारा चलता रहेगा, कंडेंसर, ड्रायर, एक्सपेंशन वाल्व, एवेपोरेटर, ठीक है। एक बात और, अगर बाय द वे आपके माइंड में आ रहा होगा, अगर इन दोनों कंप्रेसरों में से हमारा कंप्रेसर ट्रिप हो जाए तो क्या होगा, देखिए सीधी सी बात है, अगर आपका ये कंप्रेसर ट्रिप हो जाता है, हाई स्टेज का, हाई स्टेज कंप्रेसर आपका ट्रिप हो गया,
तो सीधी सी बात है, इसको रेफ्रिजरेंट नहीं मिलेगा, इसको रेफ्रिजरेंट नहीं मिलेगा तो ये एक सेफ्टी के रूम में लो सक्शन प्रेशर पे ट्रिप हो जाएगा, ठीक है? क्योंकि हमारे रेफ्रिजरेंट सिस्टम ऐसे अगर कुछ भी वर्क नहीं कर रहा है तो वो सिंपल सी बात है क्या हो जाएगा, सेफ्टी के रूम में ट्रिप हो जाएगा। हर एक सिस्टम का चलना बहुत जरूरी है। तो ये हमारा होता है ड्यूल कंप्रेसर, जिसको हम बोलते हैं कि डबल स्टेज कंप्रेसर यूज करते हैं कोर्सोज प्लांट में। कैसे होता है, इनके अंदर टेम्परेचर मेंटेन को लेके ऐसा सिस्टम लगाया जाता है। और इसको लगाने का मेन रीजन क्या है, क्योंकि हमें जो टेम्परेचर माइनस में चाहिए, हाई स्टेज से पहले लो स्टेज में बनाएंगे रेफ्रिजरेंट को, मतलब उसको कूल करेंगे और उसके बाद और उसको कूल करके सीधा कहाँ भेजेंगे, एवेपोरेटर में भेजेंगे। और अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। और आपको पता है इसके ऊपर हमारी ऐसी वीडियो आती रहती है, चाहे REC क्वेश्चन बैंक हो, HVC नॉलेज हो या REC थ्योरेटिकल हो, हर एक वीडियो आपकी रेगुलर प्ले है, आप देख सकते हो। कोई भी डाउट हो, आपको पता है व्हाट्सएप ग्रुप भी है, डायरेक्टली भी आप मैसेज कर सकते हो, और मैं उम्मीद करता हूँ जल्दी जल्दी उसका आंसर देने का। और रेगुलरली वीडियो आप वॉच करें और शेयर जरूर करें ताकि और बच्चों के पास ऐसी नॉलेज पहुँच सके। एंड थैंक यू फॉर माई वीडियो। कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। आई एम वेटिंग। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, अगर आपका कोई क्वेश्चन नहीं है तो अच्छी बात है, ठीक है। ये हमारा यूज होता है कोल्ड स्टोरेज प्लांट के अंदर। तो फिर मिलेंगे और किसी वीडियो में कुछ और नॉलेज साथ, तब तक के लिए बने रहें हमारे साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।